शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी माँ को पुकारता हुआ दौड़ रहा था, मानो उसकी माँ किसी समस्या में हो। फिर उसी टाइम पे दूसरी जगह घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध में जो ये राक्षस की तरह दिख रहा है वह ड्रैगन राजा है और यह बहुत ही ताकतवर होता है, इसे हराना इम्पॉसिबल है। फिर ड्रैगन राजा इंसान के राजा से बोलता है कि मैं कभी भी तुम मनुष्यों को परेशान नहीं करता, बट तुम लोग हम लोगों को हमेशा परेशान करते हो। इसीलिए ड्रैगन राजा लड़ाई कर रहा है। जैसे ही ड्रैगन राजा अपना हथियार उठाकर मारने जाता है, उसी समय मनुष्यों का राजा उसकी बहन को कब्जा कर लेता है। फिर वह उसकी बहन की ब्लड से ड्रैगन राजा की शक्ति को कमजोर कर देता है और ड्रैगन राजा धरती पर गिर जाता है। और यह देखकर उसकी बहन उसकी तरफ भागती है और इंसान का राजा उसकी बहन को भी पीछे से हमला कर देता है और उसकी बहन भी जमीन पर गिर जाती है। तभी बच्चा भी वहां आ जाता है और यह दृश्य देखकर जोर से माँ चिल्लाता है। तभी ड्रैगन की दूत सब पे हमला कर देती है। इंसानों का राजा उसको भी एक कवच से बांध देता है, बट दूत उसको भी तोड़कर ड्रैगन राजा की तरफ एक मजबूत सा कवच बना देती है, जिसे कोई भी इस कवच को तोड़ ना सके। फिर ड्रैगन राजा की दूत इंसानों को श्राप देती है कि ड्रैगन राजा 10 साल के बाद फिर से जागेगा और इंसानों को खत्म कर देगा। यह कहकर वह अपने शरीर को त्याग देती है। इससे इंसानों का राजा थोड़ा सा डर जाता है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करेगा उसको मैं यह मूवी कहाँ से ली गई है उसका नाम बताऊंगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए।